हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम बीएड और एमएड के रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन टाइमली लेकर आपके पास में आते रहते हैं। आप हमारे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस पर कमेंट करते हैं और आपके कमेंट के आधार पर हम आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको अपने कॉलेज की मान्यता को चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको बीएड में और एमएड में एडमिशन लेना है तो आपके कॉलेज का एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपके कॉलेज को या फिर यूनिवर्सिटी को एनसीटीई की मान्यता नहीं है तो ना ही आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब के अंदर भी वो मान्य नहीं रहेगा। तो पूरी जानकारी के लिए कि कैसे आपको मान्यता चेक करनी है, एडमिशन लेने से पहले आपके पर्टिकुलर कॉलेज की एनसीटीई की वेबसाइट पर जाना है। एनसीटीई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हमेशा ध्यान रखना माय फ्रेंड्स, कि ncte.govt.in वेबसाइट है। तो जब आप इसमें जाते हैं तो रेकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दी हुई है आपके सामने। यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास में चार जोन आ जाते हैं। ये चार जोन ही है और इनका एड्रेस भी इसमें दिया हुआ है विद कॉन्टेक्ट नंबर्स। तो चारों रीजन को मैं आपके सामने ओपन करूंगा और हम मान्यता चेक करेंगे, स्टेट वाइज हम मान्यता चेक करेंगे। अब देखिए, ये सबसे पहला रीजन हमने क्लिक करा तो इसमें आता है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा। तो जिसका भी आपको अप्रूवल चेक करना है आप उस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब आ जाता है, जिस कोर्स का आपको चेक करना है, बीएड का, एमएड का, जो भी आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हैं स्टेट वाइज लिस्ट। तो इस तरीके से आप अप्रूवल चेक कर सकते हैं, ये पहला मैंने आपको बताया। देन फिर हम वेस्टर्न रीजन को चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं। इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप देखिए, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है सेकंड रीजन में आते हैं, जिसका नाम है वेस्टर्न रीजन एनसीटीई। देन फिर हम नॉर्दर्न रीजन को क्लिक करते हैं। इसके अंदर देखिए आपके सामने चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आ जाता है। देन फिर इसके बाद में लास्ट रीजन हम ओपन करते हैं। इसके अंदर आपको आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, तमिलनाडु, पौंडुचेरी, तेलंगाना, केरला और कर्नाटका आ जाता है। आप किसी पर भी क्लिक करके आप अप्रूवल्स को चेक कर सकते हैं जो कि आपके सामने दिया हुआ है। तो ये है प्रोसेस चेक करने का। जब आप इसको चेक करेंगे तो उसमें सीट्स भी दी हुई होती है, कॉलेज में सीट्स भी दी हुई होती है। तो एक एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर कॉलेज का हम चेक कर लेते हैं, मान लीजिए हरियाणा का हम चेक कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट डाला हमने गुड़गांव, कोर्स हमने डाल दिया बीएड। तो देखिए सारे अप्रूव्ड कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने आ गई है। आप पर्टिकुलर कॉलेज का नाम डालकर भी चेक कर सकते हैं और देखिए इनटेक भी आपके सामने दिया हुआ है, 100 इनटेक ले सकता है, 50 इनटेक ले सकता है। तो इस तरीके से आपको कॉलेज का अप्रूवल चेक करना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी अप्रूवल होता है इसके अंदर और कॉलेज का अप्रूवल भी इसके अंदर होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप बीएड के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, अप्रूवल के बारे में, कॉलेज के बारे में, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।